हाय एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के लिए फ्लिपकार्ट से एक हॉल लेके आई हूँ। उसमें मैंने एक येलो कुर्ती को बाय किया है, येलो चिकनकारी कुर्ती। और आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आप कैसे एक सिंपल सी कुर्ती को कितने मल्टीपल स्टाइल्स में कैरी कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारा कलेक्शन शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और इनमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा स्टाइल जो है वो सबसे अच्छा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट लुक जो मैंने कैरी किया है वो है ये येलो चिकनकारी कुर्ती को एक पिंक ट्राउज़र के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुर्ती की। जो ये येलो चिकनकारी कुर्ती है उसको मैंने बाय किया है अमृत वर्षा क्रिएशन ब्रांड से। साइज़ मैंने इसका एल परचेज किया है। फैब्रिक की बात करें तो कॉटन रेयॉन इसका फैब्रिक है। यू कैन सी कि इसमें चिकनकारी थ्रेड के अलावा सीक्वेंट वर्क भी हुआ है। नेक की बात करें तो नेक है इसका राउंड। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड इसमें चिकनकारी वर्क हुआ है विद सीक्वेंट वर्क। स्लीव्स की अगर बात करें तो स्लीव्स हैं इसमें 3/4। स्लीव्स पे भी अलग से वर्क हुआ है। फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। जिस प्राइस रेंज में मैंने बाय की थी, आई थिंक 400 की रेंज में मैंने ये परचेज़ की थी। इसमें 6 to 7 कलर ऑप्शंस हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ऑप्शन पिक कर सकते हैं। बात करें इसकी लेंथ की तो इसकी लेंथ भी काफ़ी डिसेंट है। बॉर्डर भी इसका काफ़ी अच्छा है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड इसका बॉर्डर जो है वो सेम है। तो अगर आप किसी की हल्दी फंक्शन के लिए एक येलो कुर्ती ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंड अफोर्डेबल ऑप्शन। बाकी इसका आपको ट्राई ऑन में बेटर आइडिया लग जाएगा कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है। तो अब बात कर लेते हैं बॉटम की। फर्स्ट लुक में जो मैंने कुर्ती को पेयर अप किया है वो है ये पिंक प्लाजो के साथ। इसका जो फैब्रिक है दैट इज विस्कॉस रेयॉन। जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो ये आई थिंक 500 की रेंज में अवेलेबल है, लेकिन अभी मैंने जब इसका प्राइस चेक किया तो ये 300 की रेंज में अवेलेबल है। तो उस प्राइस रेंज में तो ये आई थिंक मस्ट हैव बॉटम है, क्योंकि आप इस पिंक बॉटम को और भी मल्टीपल कलर की कुर्तीज़ के साथ पेयर अप कर सकते हैं। और इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है और मोर ओवर इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करें इसकी डिटेलिंग की तो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड इसमें इलास्टिक है। साथ में इसमें ड्रॉ स्ट्रिंग भी अवेलेबल है, तो आप इसको थोड़ा टाइट या लूज अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ्लेयर इसका काफ़ी अच्छा है। ये जो बॉटम है ये सिर्फ फ्री साइज़ में है। इसके बॉटम में बोथ साइड प्लास्टिक मिरर की डिटेलिंग है और इन मिरर्स को काफ़ी अच्छी तरह से सिक्योर किया है थ्रेड से। उसके अलावा बीच बीच में फ्लावर्स की डिटेलिंग है। आप देख सकते हो कि एक लेग का फ्लेयर इसका इतना है। इसमें और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी कलर की बॉटम आपको चाहिए उस हिसाब से परचेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द ट्राई ऑन कि मैंने इसको कैसे स्टाइल किया है। जो नेक्स्ट लुक है उसमें मैंने इस कुर्ती को स्टाइल किया है ये चिकनकारी प्लाजो के साथ। ये जो प्लाजो है उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने मीशो से बाय किया था। आई थिंक ये 300 की रेंज में मिल रहा था, तो उस अकॉर्डिंग ये भी मस्ट हैव है। आप इसको भी मल्टीपल वे में अलग अलग कुर्तीज़ के साथ स्टाइल कर सकते हो। इसके साथ भी काफ़ी अच्छा लुक आता है।
इसके अलावा मैंने जो इस लुक में दुपट्टा कैरी किया है, ये भी मैंने मीशो से परचेज किया था। नेट का ये दुपट्टा है जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी हुई है और बोथ साइड इसमें ये लेस की डिटेलिंग है ऑल ओवर। लेंथ विड्थ भी इस दुपट्टे की काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। 200 की रेंज में मैंने इस दुपट्टे को बाय किया था, सो आई थिंक इस प्राइस रेंज में ये दुपट्टा वर्थ इट है। इसमें एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी अच्छी है और इसका फैब्रिक भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। कुर्ती को वाइट सलवार के साथ स्टाइल करके दिखाया है। ये मैंने ऑनलाइन नहीं ली है, खुद फैब्रिक लेके स्टिच करवाई है। आपके पास एक तो वाइट सलवार होनी ही चाहिए जिसके साथ आप लुक चेंज करने के लिए कभी कभी कुर्तीज़ को सलवार के साथ भी पेयर कर सको। सो लेट्स सी इन द ट्राई ऑन कि ये सलवार के साथ कैसी लग रही है। नाउ जो लास्ट स्टाइल है वो मैंने इस कुर्ती को एक ब्लू डेनिम के साथ पेयर अप करके दिखाया है। ये डेनिम भी मैंने ऑफलाइन ही ली थी, तो आपके पास कोई भी ब्लू कलर की जीन्स हो तो आप इस कुर्ती को उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो। आई थिंक येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कभी कैजुअल वेयरिंग के लिए आप इसको जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट वेन एवर आई अपलोड द न्यू वीडियो। थैंक यू।